आपने ही दिलवाई है मेरे को, तो आप बताइए कि कैसी बाय स्किल है, सफिशियंट है मेरे लिए बाय करना या नहीं जो मैंने की है इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेश फ्रेश एंड ताजा ताजा व्लॉग। तो भाई साहब, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि जो बाइसिकल ब्लिंक कर रही है वही मैंने परचेज की है, जिसको कि मैं आज अनरिवील कर रहा हूँ इंडिया गेट पे जाके। वहाँ पर राष्ट्रपति भवन पे या फिर इंडिया गेट पे जो बेस्ट सुटेबल लोकेशन मिलेगी वहीं पर शूट करेंगे इसको। और आप मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग व्लॉग रहने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे अपने और मेम्बर से मिलते हैं। अभी हम दो ही हैं यहाँ पे, सब हमारी ग्रुप रेडी हो गया है। हम चार ही जा रहे हैं, आज हम चार ही जा रहे हैं अपनी बाइसिकल को रिवील वहीं पे इंडिया गेट पे करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं, बीच के ताल लेंगे। आवे कर भी आगे, तो चलिए चलते हैं इंडिया गेट पे या राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे बेस्ट लोकेशन मिलेगी वहीं पे अपनी बाइसिकल को रिवील किया जाएगा कि हमने कौन सी बाइसिकल ली है इतने सालों बाद। सालों बाद नहीं, महीनों बाद, काफी इंतजार के बाद इंतजार करना पड़ा मेरे को। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। तो भाई हम तकरीबन इंडिया गेट के पास पहुंच ही गए हैं, ऑन द वे हैं, फटाफट चला रहा हूँ। आज मैं थोड़ा थक गया था, क्योंकि यार काफ़ी टाइम बाद मैंने लॉन्ग साइकिलिंग करी है, आप मान लो कम से कम एक डेढ़ महीने बाद। और ये देखो व्यू, और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, वेरी चिल्ड एयर। ये अपने मलिक साहब, अभी बाइक पे आ जाइए। ऐसे अरे जैसे यूएस पुलिस की बाइक नहीं होती वैसी। डोमिनर काफी अच्छी बाइक है यार, देखने में भी और चलाने में भी। सर हम एक बार बंगला साहिब के पास से निकल रहे थे, तो मुझे लगा आपका यहाँ आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ। तो देखो गुरुद्वारा बंगला साहिब, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी। चलो आगे बढ़ते हैं, इंडिया गेट बस अब दूर नहीं है, दिल्ली अब दूर नहीं है, भागो। सो सामने मेरे संसद भवन है, और जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया ये है राष्ट्रपति भवन। हमने एक चीज मिस कर दी, वो थी यहाँ पे लाइटनिंग, जो कि अर्ली मॉर्निंग होती है, बट 5:30 बजे अभी हमें एक घंटे के आसपास लगा, मतलब 40-50 मिनट के आसपास, बट यहाँ से कोई भी लाइट नहीं जल रही। अरे लाइटनिंग क्यों नहीं हो रही यहाँ पे, हमने तो खींचली फोटो तुम रह गए। अच्छा अभी खत्म हो, लाइटिंग बंद हो गई, जस्ट 5 बजे बंद कर देते हैं। तो 5:30 बजने अभी देख ले कितना टाइम हुआ है, 5:33 हो रहे हैं, 5:33। ओ शिट मैन, हमारी किस्मत में नींद लिखना। और जैसे ही मेरी एक फोटो खींची है ना, मेरी एक फोटो खींचते साथ बंद हुई है। आपकी किस्मत अच्छी थी, ये मिस्टर रेड रेड एंड ग्रीन, ये मिस्टर प्योर ब्लैक, हेलो भाई, ये मिस्टर रेड एंड ग्रे, और वो कह रहे हैं क्या वो मिस्टर ग्रीन। तो भाई अपनी बाइक का रिव्यू करेंगे एक बार, थोड़ा सा रोशनी हो जाए उसके बाद, बढ़िया बहुत बढ़िया व्यू है, होनी चाहिए। हम तो निकल रहे हैं भाई, ऐसे कैसे निकल रहे हो। तो भाई सुबह हो गई है, अब उजाला निकलना स्टार्ट हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आप सभी को अपनी बाइसिकल रिव्यू करूँ। रिव्यू क्या है, आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कैसी है। तो फटाफट से सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो और बताओ कि हमारी बाइसिकल कैसी है। Bye.
भाई ये है अपनी न्यू बाइसिकल जो कि है एक हाइब्रिड बाइसिकल रेले की स्ट्राइडा इलाइट। चलिए एक बार इसकी राइडिंग करते हैं और बताते हैं राइडिंग कंफर्ट कैसा है और चलाने में कैसी लगती है। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल। टायर थोड़े गंदे इस वजह से हो गए हैं क्योंकि मैं चला के लेके आया हूँ 20 किलोमीटर, अदरवाइज ऑल टायर्स आर वेरी वेरी न्यू। तो चलिए इसके एक बार राइडिंग करते हैं। अच्छा बनाता हूँ, रेगुलर बना दूँ। चल अपनी बाइसिकल आ गई है। आप सभी को पता चल गया होगा सिनेमेटिक शॉट्स कैसे लगे मुझे जरूर बताना। और आपको एक बताऊं, आपसे पहले इंस्टाग्राम वालों को सब पता है तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको भी पता चल जाएगी कौन सी बाइसिकल मैंने ली थी। खैर अब तो क्लेरिफाई हो गया है, एज ऑफ नाउ अब मुझे बताइए कि कैसी लगी। और इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको लेने का। इसका मेन रीज़न ये था कि मुझे चाहिए थी एक हाइब्रिड बाइसिकल जिसके टायर्स काफ़ी पतले हों और जो लॉन्ग राइडिंग में काफ़ी मेरी हेल्प करे। तो मैंने तकरीबन एक महीने तक वेट किया, सोचा समझा देखा, परेशान हो गया था, बाइसिकल मिल ही नहीं रही थी क्योंकि मैंने अपनी बाइसिकल जो बेची थी वो अगस्त 14 को बेची थी और आज 26 सितंबर है तो तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। तो मुझे लगा भाई कैसे ना कैसे ढूंढी जाए। फिर मैंने फाइनली एक शॉप पर जाके देखा इसको, मुझे अच्छी लगी। रेले ब्रिटेन की कंपनी है जो कि 1887 यानी 1887 से है और ट्रस्टेड ब्रांड है और चाइनीज़ ब्रांड भी नहीं है। तो इसलिए मैं इसको परचेज़ किया। और जो रेले है वो इंडिया में तो मैन्युफैक्चर नहीं करती है, उसकी जो बाइसिकल्स है वो बनाती है हमारी सनक्रॉस वगैरह कंपनी है जो वो इस बाइसिकल को इंडिया में बिल्ड करती है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कम्फर्टेबली तो मैंने इसको परचेज़ किया। और बाकी आपको एक बार हैंडल ग्रिप दिखाता हूँ। तो भाई राइडिंग का इसका हैंडल्स काफ़ी ब्रॉड हैं जो कि मुझे काफ़ी सूटेबल लगते हैं और यही रीज़न था मेरे इस बाइसिकल को परचेज़ करने का। मैंने काफ़ी टाइम तक सोच समझ के फिर परचेज़ किया इसको क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट की जाती है, बार बार इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो। तो इसको मैंने सोचा समझा परखा और बाद में इस बाइसिकल को लिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये बाइसिकल अच्छी लगी होगी। टायर्स वगैरह देखो बहुत ही स्लिम है जो कि रोड पे चलने में 700C वाले टायर्स हैं इसमें। और अपनी टीम से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उनको कैसी लगी बाइसिकल, तो उनसे उनका एक रिव्यू जानते हैं। हेलो गाइस, तो भाई हमारे कुंडू साहब बताएंगे बाइसिकल कैसी लगी उनको। साइकिल तो बहुत अच्छी है, रोड बाइक है, पतले टायर हैं, फास्ट चलती है बहुत ज़्यादा, MTB वगैरह और ये जितनी हाइब्रिड साइकिल्स वगैरह जो होती हैं बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है ये। मगर बोले सब पैसे तो मिलेंगे ना? पैसे बिल्कुल मिलेंगे आपको, आप रिव्यू दो। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत फास्ट चलती है। इसमें हमने ये शीशे वगैरह ये दो बोटर होल्डर्स इंस्टॉल करवा दिए, चेन सेट वगैरह, बहुत बढ़िया साइकिल है ऑल ओवर। मैं यूँ कहूँगा लेने लायक सौदा है ये। ओके अब नेक्स्ट बंदे को बुलाया जाए। सर आप आइए, आपको काफ़ी नॉलेज है बाइसिकल्स की तो आप बताइए कि ये कैसे, आपने ही दिलवाई है मेरे को तो आप बताइए कि कैसी बाइसिकल है, सफिशियंट है मेरे लिए बाय करना या नहीं जो मैंने की है इसको। सबसे वर्थिट है बाइक अगर देखा जाए तो हाइब्रिड बाइक है। हाइब्रिड बाइक के अंदर आपको 7 गियर मिलते हैं जो शिमानो के हैं, 7 स्पीड गियर। ओके, ज़्यादा गियर की आपको बहुत रिक्वायरमेंट है नहीं। इसमें मैट ब्लैक कलर है इसका, मैट ब्लैक कलर के साथ आपको इसका व्हील साइज भी अच्छा मिलता है। शिमानो का टर्निंग लगा हुआ है जिसके अंदर आप इसका टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो आपको एक अच्छी स्पीड पकड़ लेती है बाइक। और हाइब्रिड तो फिर क्या कहने हैं, हाइब्रिड बेसिकली एक MTB और रोड बाइक का कॉम्बिनेशन होती है। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो जैसे कॉम्बिनेशन है और परफॉर्मेंस तो अच्छी रहती है। लंबे के लिए अगर आपको जाना है तो फिर वो रहता है बढ़िया, इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है।
तो मैंने भी उसको तकरीबन 20 किलोमीटर तक राइड किया अभी, तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी चलाने के लिए। और इसका जो मतलब आप ग्राफिक्स वगैरह देख रहे हो वो भी एवरेज हैं, अच्छे हैं और मैट ब्लैक में है, तो कलर का काफ़ी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और इसमें ना थोड़ा ये जैसे मैंने इस पर टेप लगाई है सेफ्टी के लिए, ताकि इसकी रगड़ इस पर ना लगे। तो भाई ये है मेरी स्ट्राडा इलाइट, जो कि मैं काफ़ी एक्साइटेड उसको चला के, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है चलाने के बाद। और मेरा तो ओपिनियन यही है कि भाई मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिली है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह कोई डाउट है, कृपया आप चुप रहना, अभी बोलना मत आप, मैं वीडियो कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह, तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। बताओ भाई ID बताओ, malik.monty। हाँ तो उसको फॉलो करना है आपको इंस्टाग्राम पे, फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना और दुम उठा देना हर चीज़ का। हाँ और इस बाइसिकल का अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना। और अभी भाई देखो, ये बेसिकली मैंने इस बाइसिकल के लिए ही रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, इंडिया गेट सामने, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन है। स्पेशल इस बाइसिकल के लिए बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लाइट वेट तो थोड़ी नहीं है, थोड़ा सा हल्की सी हैवी है। नहीं नहीं बहुत लाइट वेट है, और चलाने में काफ़ी कम्फर्टेबल है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और धुम्मा उठा दो हर चीज का। ओके, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय, ये राष्ट्रपति भवन। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अपना प्यार बना के रखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है चैनल पे वीडियोस क्रिएट करने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो बाय, गुड बाय, सी यू, विल यू मीट इन नेक्स्ट वीडियो, और वो भी काफी धमदार धांसू होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। तो भाई आपको एक बार पार्लियामेंट हाउस का और साथ में राष्ट्रपति भवन का फुल व्यू दिखाते हैं, और अपने पूरा ग्रुप, थोड़ा सा ग्रुप, आज का ग्रुप है ना हमारा, थोड़ा छोटा सा ग्रुप, कुछ लोग आज हमें धोखा दे गए, सुबह आए नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारे छोटा सा ग्रुप। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be so.